हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और सभी को गुड इवनिंग। और ये देखो आप सबके सामने क्या खड़ा है, यामा MT-15। तो आज मेरा लगभग ये कुछ 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, तो आज इसी का एक छोटा सा रिव्यू दे दूंगा आपको कि क्या है ये बाइक, क्या नहीं है, ये सब कुछ बता दूंगा कि मेरा क्या राइड एक्सपीरियंस क्या हुआ, लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस क्या है, क्या इसका माइलेज देता है, बाकी सब कुछ आज डिटेल्स में थोड़ा कवर करने का कोशिश करूँगा। फ़िलहाल ये देखो, ये थोड़ा भी गंदा हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हो रहा था, तो मैंने उसके बाद फिर इसको क्लीन नहीं करवाए। तो मैं पहले दिखा देता हूँ मीटर में कि कितना हज़ार चला है। रुको, ये देखो 1173 किलोमीटर ये अभी चल चुका है। ये रहा कुछ इसका DRL। ओहो हो, कितना सुंदर लगता है, देखो बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। तो ये कुछ मेरे को ऑन रोड पड़ा था 2,13,000 के आसपास। तो 2,13,000 क्या इसका वर्थ इट है, मैं ये भी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ कि 2,13,000 क्या इसमें वर्थ इट है या नहीं। देखो ये मेरा भी एक ड्रीम बाइक है और बहुत सारे बंदे का ये ड्रीम बाइक है। तो मैं कुछ देखो, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ मैं वही बताऊँगा, कुछ अलग सा मैं नहीं बताऊँगा आप लोगों को कि क्या क्या। पहले मैं आता हूँ इसका कॉन्स के ऊपर कि क्या क्या इसको कॉन्स लगा मेरे को। तो देखो वैसे तो कुछ इसमें कॉन्स नहीं है, आप सभी को पता है। और जो जो मेजर कॉन्स है वो आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हो क्योंकि ये एक ड्रीम बाइक है बहुत बंदे का, मेरा भी एक्चुअली ये ड्रीम बाइक है। तो मैं बता देता हूँ, पहला मेरा जो प्रॉब्लम है, देखो मैं कभी एज़ अ पिलियन इसमें राइड नहीं किया हूँ, सच बता रहा हूँ कि एज़ अ पिलियन मैंने इसमें कभी राइड नहीं किया हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे बंदे को या मेरे फैमिली मेट को भी बैठा के इसको चलाया हूँ, तो थोड़ा सा ये क्या लगता है ना, बस ये छोटा लगता है थोड़ा सा। ये जो है सीट है, ये राइडर के लिए तो काफ़ी सारा जगह रहता है, लेकिन पिलियन के लिए जगह थोड़ा सा छोटा होता है और थोड़ा कुशनिंग भी लगता है अनकंफर्टेबल, क्योंकि जब कोई बैठता है पीछे तो उसको लगेगा कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है वो इसमें, क्योंकि सीट का कुशनिंग थोड़ा मेरे को कम लगता है, थोड़ा सीट का लेंथ भी कम लगता है। देखो जितना इसमें था, लाइक इससे देखो 4-5 उंगली छोटा है मतलब, तो थोड़ा सा अगर उसके जैसा ही कर देता, थोड़ा सा भी अगर इसको इतना दूर तक ला देता तो आई होप कि ये बढ़िया ऑप्शन हो जाता। और चलो मैं अगर दूसरा चीज़ का बात करूं, तो देखो मुझे पता नहीं कि कितने बंदे मेरे साथ ये एग्री करेगा कि इसका जो है ना सस्पेंशन मेरे को थोड़ा हार्ड लगता है। देखो ये एक ड्रीम बाइक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा जाऊँ। तो मेरे को लगता है अगर कभी कभार गड्ढा मैं मिस कर गया, लाइक मैं नोटिस नहीं किया, गाड़ी को स्लो नहीं किया, तो अगर इसमें पार कर देता हूँ तो लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है, मतलब जितना सस्पेंशन होना चाहिए, जैसा काम करना चाहिए, वो मेरे को उतना सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर वो बाय एनी चांस होता है, कभी कभार नहीं होता है, आप अगर कोई गाड़ी खरीदोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप रोड ब्रेकर हो या गड्ढा हो उसको उड़ा दोगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर बाय एनी चांस हो जाता है तो सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मेरे को तो हुआ है, ये मैंने बता दिया। पीछे के भी सस्पेंशन का वही सीन रहता है कि थोड़ा सा हार्ड मेरे को लगता है। बस यही दो चीज़ मेरे को कॉन्स में रखना था, क्योंकि मैंने उतना कुछ इसमें ख़राब नहीं मिला मेरे को, बस यही दो चीज़ मेरे को ख़राब लगा है कि अगर थोड़ा सीट का लेंथ और कुशनिंग थोड़ा ज़्यादा कर देता, और एक दूसरा हो गया सस्पेंशन का, अगर थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाता तो अच्छा मज़ा आ जाता। अब बात करते हैं इसका प्रोज के ऊपर कि बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना कि लाइक 1000 किलोमीटर चलाने के बाद इसका चेन ढीला हो जाता है, ये होता है वो होता है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा लगभग आप लोग तो देख लिए मीटर की मैंने कितना चलाया, लेकिन मेरे को वैसा कुछ इशू नहीं आया कि इसका चेन से आवाज़ होने लगता है और चेन लूज़ है, ये सब मैंने फेस नहीं किया, सच बता रहा हूँ। और बाकी भाई इसका माइलेज का अगर बात करूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है MT-15 का माइलेज। हाँ गाइस, मैं इस बाइक से अभी भी
मतलब अभी तक 45 का माइलेज मैं निकाला हूँ, 45 का मैंने निकाला हूँ। उसमें मैं टान भी देता हूँ बहुत बार कि हाईवे में जब जाता हूँ तो थोड़ा चिल करने का, थोड़ा मस्ती करने का मन होता है तो मैं भगा लेता हूँ इसको, 120+ भग जाता है इधर उधर करके, ऐसे वैसे करके। वैसे तो मैंने इसका, अगर टॉप स्पीड का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, इसका टॉप स्पीड वाला वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। माइलेज टेस्ट का भी वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो एक बार चैनल भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो इसका माइलेज का तो सीन ये हो गया कि ये आप लोगों को आराम से 40 to 45, 40 नहीं कहूँगा, 45 to 50 कहूँगा, ये इजीली आप लोगों को निकाल के दे देगा। और बाकी इसका अगर मैं कहूँ कि ये ट्रैफिक में हैंडलिंग कैसा है, भाई एक नंबर ज़बरदस्त हैंडलिंग है। आप लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन इसका हैंडलिंग मेरे को दमदार लगता है। कुछ कुछ पता ही नहीं चलता, इधर उधर ऐसे ऐसे करके निकाल देता हूँ, कुछ पता नहीं चलता है। बहुत बढ़िया हैंडलिंग है भाई, बहुत बढ़िया हैंडलिंग है। और इसका और एक कोई प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना, इसका ये जो फ़ैन है रेडिएटर, ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है, मतलब चलने लगता है फ़ैन बहुत जल्दी। नहीं भाई, ऐसा कुछ दिक्कत मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ। और देखो, लाइक मैं जब गाड़ी ख़रीदा था तो मैंने 48 टेम्परेचर तक मैंने गाड़ी को चलाया था। जब टेम्परेचर 48+ था तब मैंने गाड़ी को 20-25 किलोमीटर चलाया था, तब भी वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया कि रेडिएटर फ़ैन अचानक ऑन हो गया, ये हो गया, फलाना ढुमकाना, ये सब कुछ नहीं होता है भाई। अगर बात करूँ कि मैं इसका एग्जॉस्ट का, रुको मैं एग्जॉस्ट सुना देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखो कोई अगर थोड़ा सा अगर साउंड होता है तो वो तो अच्छा ही होता है। तो ये हो गया इसको, अब थोड़ा ऑन करता हूँ, रुको। ये रहा कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट। अब बाकी देखो, अगर मैं बात करूँ कि इसका ये जो क्वालिटी वगैरह है ना, ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। लाइक देखो, यूज़ तो हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर और थोड़ा बेहतर कर देता तो मज़ा आ जाता। मतलब बाकी देखो, ओवरऑल अगर कोई अगर पूछे मेरे को कि ये बाइक कैसा है, 2,13,000 में वर्थ इट है कि नहीं, क्या है इसका सीन, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि भाई 2,13,000 आपका वर्थ इट है इस बाइक के ऊपर। क्योंकि एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर जिसका माइलेज अगर आप लोगों को 45 to 50 मिल जाए, और ऐसा एक लुक मिल जाए ख़तरनाक सा स्पोर्ट्स बाइक जैसा, तो आप लोगों को क्या चाहिए 2,13,000 में, और क्या चाहिए। पीछे 140 का मोटा टायर मिल जाता है, जिससे आप लोग लीन करने का टाइम या भगाने का टाइम बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी दे देता है। और डुअल चैनल ABS के साथ आता है, सामने आप लोगों को आई थिंक बाइब्री का है, हाँ सामने बाइब्री, और पीछे निसिन का ब्रेक मिलता है। तो निसिन एक स्पोर्ट्स बाइक का ब्रेक कैलिपर है। तो आप लोगों को, मेरे को तो नहीं लगता है कि उतना कुछ खास इसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने पूरा देखो चीज़ क्लियर कर दिया। और ये देखो, ये पूरा LED सेटअप के साथ आता है, पीछे इंडिकेटर हो या सामने हो तो ऑल LED सेटअप के साथ आता है। पीछे का ये टेल लाइट LED का आता है, मीटर तो मैंने दिखा दिया, DRL भी मैंने जला के दिखा दिया। बाकी कुछ दो ही बस मेरे को प्रॉब्लम लगा, जो है इसका सस्पेंशन, और दूसरा जो मैंने कहा कि इसका सीट, अगर सीट और सस्पेंशन थोड़ा सा बेहतर हो जाता तो मज़ा ही आ जाता भाई। कोई कोई इसमें डाउट नहीं रहता कि ये टॉप क्लास बाइक है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये टॉप क्लास एक बाइक है जो आपका 2,13,000 वर्थ इट करेगा, एकदम जेन्युइनली करेगा। क्योंकि देखो, जिसका एक ऐसा इतना ख़तरनाक लुक हो और माइलेज आप लोगों को 50 अप्रॉक्स माइलेज मिल जाए, तो मेरे को तो नहीं लगता है इसमें कुछ खराबी है। ये देखो, लुक चेक कर लो भाई, कितना प्यारा लुक है ये, आप लोग चेक कर लो। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस। और ऐसे और MT रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करके रखना ज़रूर। बाय बाय गाइज़।